को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ, और आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमें किस वर्ड में विवाह करना चाहिए। और आपने वर्ड शंकरता एक शब्द सुनी होगी, ये वर्ड शंकरता क्या होती है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो जैसे अभी विवाह का लग्न चल रहा है और अब कुछ दिनों बाद वैसे खत्म ही होने वाला है, परंतु अभी चल रहा है, तो विवाह करने में क्या होता है ना, पहले जब हमारे जो पूर्वज थे वो विवाह में बहुत विचार किया करते थे। विवाह करने से पहले वधू का खानदान कैसा कैसा है, जाति का, हर एक चीज का विचार किया जाता था, तो उसका प्रभाव भी दिखता था। पहले जितनी शादियां टिका करती थी, पहले जितना लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता था, उतना अब नहीं रह रहा है। क्यों? कारण यही है कि हम क्या सोचते थे कि वो जो कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा इत्यादि जो भी थे, वो एक बंधन बांध रहे हैं कि नहीं तुम्हें इसी जाति में विवाह करना है। परंतु वास्तविकता में हम समझ नहीं पाए, लेकिन वो तो शास्त्रों की ही बात कर रहे थे। शास्त्रों में भी बड़ा विशेष वर्णन आया है वर्ण शंकरता से बचने के लिए। सबसे पहले हम यही समझते वर्ण शंकरता होती क्या है। वर्ण शंकरता यदि कहें तो जब एक वर्ण के, जैसे कन्या हो ब्राह्मण वर्ण की और कोई नीच वर्ण का वर हो गया, जो दूल्हा है वो नीचे वर्ण का हो गया। अब नीचे वर्ण से हो गया जैसे कि वो वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो उनके द्वारा जो संतान होगी वो होगी वर्ण शंकर संतान। और फिर वर्ण शंकर संतान में क्या होता है कि ना तो कन्या के पूरे गुण आते हैं, ना ही वर के पूरे गुण आते हैं, और फिर वो एक अलग ही परंपरा वहां से प्रारंभ हो जाती है। आपने सूद, मागध, वंदीजन, इनका नाम सुना होगा, ये भी सब वर्ण शंकर जाति ही हैं। और वर्ण शंकरता के विषय में जिन्होंने भगवद गीता जी पढ़ी होगी वो तो जानते ही होंगे। अर्जुन स्वयं कहते कि हे भगवन, युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध के परिणाम स्वरूप यदि हारे हम या कोई भी हारा तो स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, और उसके बाद जब उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा तो स्त्रियां भटक जाएंगी, और स्त्रियों के भटकाव से ही समाज का पतन प्रारंभ होता है। क्योंकि यदि स्त्रियां जाके दूसरे वर्ण से विवाह करेंगी तो वहां से प्रारंभ होगी वर्ण शंकरता, और वो वर्ण शंकरता पितरों को नरक में ले जाने वाली होती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें विवाह किससे और कैसे करना चाहिए। विवाह करने की विधि ये होती है कि जो वर है वो, जैसे ब्राह्मण वर है तो वो ब्राह्मण कन्या से करे सबसे उत्तम है, लेकिन पूर्व में ऋषियों ने क्षत्रिय कन्याओं से भी विवाह किया है, तो ब्राह्मण वर क्षत्रिय कन्या तक विवाह कर सकता है। परंतु हाँ, इसके विपरीत है, ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय बालक है तो फिर विवाह संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां पे वर्ण शंकरता हो जाती है। जो वर होता है उसकी जाति श्रेष्ठ होनी चाहिए कन्या की अपेक्षा। लेकिन अब क्या हो गया, आज का समय विकृत हो गया और लोग इसका विचार ही नहीं करते। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, यदि आपका विवाह होने वाला है, यदि आपके बच्चों का विवाह होने वाला है, तो इसमें बड़ा विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि जब हम वर्ण शंकरता और इनका विवाह की विधि का हम ध्यान रखेंगे ना, तब जाकर के हमारे संतानों में संस्कार आएंगे। देखिए, 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। बालक के जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात तक संस्कार हुआ करते हैं। ये संस्कारों का संघ बहुत लंबा है। हमारे जन्म से पूर्व भी संस्कार रहते हैं, हमारे जन्म मृत्यु के पश्चात भी ये संस्कार चलते रहते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे संस्कार हमारे अंदर, न्यूनता हमारे अंदर संस्कारों की आती जा रही है, वैसे वैसे हमारी पीढ़ी अधमता की ओर जा रही है, सबकी बुद्धियां लघु हो गई हैं। मुख्य कारण यही है कि हम विचार का त्याग कर चुके हैं, और जब विचार का त्याग कर देंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि वर्ण शंकरता फैलेगी, और वर्ण शंकरता के द्वारा हमारा पतन तो होगा ही, हमारे संतानों का पतन तो होगा ही, साथ ही साथ जो पितर लोग, हमारे पूर्वज लोग पितृलोक में हैं, वे भी नरक की ओर गमन करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ, यदि आप विवाह करें तो उसमें बहुत सोच विचार कर विवाह कीजिए, और
जब प्रत्येक जो विधि है, हम सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमें हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से मानना चाहिए और जो विधि बताई गई उसमें अपनी बुद्धि ना लगा करके जैसी विधि है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि लोग हर विधि में अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा देते हैं। यही कारण होता है कि अपना बुद्धि लगाने के कारण हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो बिना कुछ सोचे समझे तो कहा नहीं होगा। उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर चिंतन किया, मनन किया है, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला और शास्त्रों में उसे लिखा। इसीलिए शास्त्रों में जो बात लिखी उसे अकाट्य मानिए और उसका पालन करना चाहिए। तो आज की चर्चा बस इसी पे है, फिर हम सभी शीघ्र ही मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी, वहाँ का क्या इतिहास है, कैसे वो तीर्थ स्थान देवस्थान प्रकट हुआ, वहाँ कौन सी लीला हुई है, वो सारी लीलाएँ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय।